gelmez. Kırptan satıyoruz karna hoga. Karna hoga, karna hoga. Kırptan satıyoruz karna hoga. Karna hoga, karna hoga. Nermeda bıçak andolan zindabad. Zindabad, zindabad. Enklab zindabad. Zindabad, zindabad. Ne abi? रिक्वेस्ट किया है रेसिडेंट कमिश्नर जो होता है टेक्निकली रेसिडेंट कमिश्नर चीफ मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेटिव है दिल्ली में तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि हम हमारा मेमोरेंडम एक्सेप्ट करें शायद नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम देख के डरने का आदत है मध्य प्रदेश भवन को और यहाँ के कमिश्नर लोगों को तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वो आयन गेट पूरा ही बंद कर दिया है तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रशांत जी गौतम अशोक दा काफ़ी सीनियर साथी हैं यहाँ हैं कुछ बात रखे हमसे अगर इस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार करा जाएगा तो नक्सलिज्म और माओइज्म तो बढ़ेगा क्योंकि कुछ लोग उनमें से जरूर हथियार उठाएंगे अगर अगर लोकतांत्रिक तरीके से उनके हक नहीं दिलवाए जाएंगे अगर उनका लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर बैठने पर उनके ऊपर पुलिस से अत्याचार किया जाएगा तो कुछ लोग इस तरह के रवैये से कुछ लोग हथियार उठाएंगे इससे सरकार जो कह रही है कि हम देश में नक्सलवाद खत्म करना चाह रहे उल्टी काम कर रही है थाने में थाली में सजा के उनके पास दे रहे कि सभी लोग ऐसा बोलो आज देश में कोई और खास करके मध्य प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार जहाँ पर है वहाँ पर कोई जनवादी परिसर बचा ही नहीं रह गया कि जिससे जो है लोग अपनी आवाज़ उठाए और इसका हमें राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली के स्तर पर हम लोग इसको निंदा करने के लिए आए हैं क्योंकि अगर आप हाईकोर्ट की आदेश को लागू करने के लिए धरने पर बैठते हैं और आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है कि आपको पकड़ लिया जाए आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाए इसका मतलब यह है कि हम धीरे धीरे अंधेर नगरी चौपट राजा वाले संकट में घिर रहे हैं जहां अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से कुछ काम करेंगे कानूनी तरीके से काम करेंगे तो आपके हक अधिकार मांगों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और इसका मतलब यही है कि लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं आप उनको ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में जनतांत्रिक तरीके से काम करने वालों के लिए कोई जगह है ही नहीं न बचने वाली है लिहाजा या तो तुम सरेंडर करो और जो मनवाना चाहे वो हुकूमत वो मानो और नहीं तो फिर बंदूक लेके लड़ो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बच गया है और इसके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा है बंद करो जेल में गिरफ्तार साथियों को रिहा करना होगा करना होगा करना होगा जेल में बंद साथियों को रिहा करना होगा करना होगा करना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 मध्य प्रदेश सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मध्य प्रदेश सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी